हमारा जीवन बहुत ही मूल्यवान है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। कहते हैं लाख 84 योनियों को भटकते भटकते तब कहीं जाकर के मानव का जीवन मिलता है। लाखों योनियों से पार होते होते आज हम ये सुंदर मानव जीवन में आए हुए हैं। लेकिन इस जीवन में आकर के हमें अपने को विचार करना चाहिए, आए हम कहाँ से, अब जा रहे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है हमें विचारना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ और फिर कहाँ जा रहा हूँ। ये जो संगीत में हम भजन गा लेते हैं और बहुत प्रकार से भजन याद करके अनेक राग धुन में भजन सुनाते हैं, मन मुग्ध कर देते हैं, ये एक कला है। और अच्छी बात है, गाना भी चाहिए, लोगों को ज्ञान मिलता है, मनोरंजन होता है। लेकिन असली भजन क्या है? असली भजन है दुखों से हमें मुक्त होना है। मुक्त होने का काम क्या है कि हमें विचार करना है कि मैं आया हूँ कहाँ से और जा रहा हूँ कहाँ। हम लाख 84 योनियों से भटकते भटकते आए हैं और आज हम अपना आप को नहीं जाने, आत्म सुधार नहीं किया। मैं कौन हूँ, जगत क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, स्व और पर का कोई भेद ही नहीं समझ पाया। ये मानव जीवन स्व और पर को समझने के लिए है और बंधन को काटने के लिए है, मोक्ष के लिए है। इसलिए कहा गया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये हम मोक्ष के द्वार में आए हुए हैं और यहाँ आकर के हम राग करते हैं, द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और नाना प्रकार के विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं। ये विषय वासनाओं में तो हर प्राणी लिप्त है और उसमें लिप्त होकर के आदमी अपने आप को बड़े होशियार समझता है, चतुर समझता है, बुद्धिमान समझता है, जो मानवेतर प्राणी कर रहे हैं। सज्जनों, ये मानव जीवन हमें आत्म कल्याण के लिए है। ये सब अनादि काल से हम संसार की जो सुख है पंच विषय का, उसको लेते लेते आए हैं। लेकिन आज तक हम तृप्त नहीं हुए और आगे भी तृप्त कभी होंगे भी नहीं। इसको त्याग देना ही तृप्त हो जाना है और वही वासना को हमें मिटाना ही मोक्ष है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को सुधारना होगा। जो जिसका व्यवहार सुधर जाता है उसका परमार्थ सुधर जाता है। इसलिए किसी ने कहा है, जीवन में यदि कल्याण चाहते हो तो पंच विषय को त्यागो। पंच विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आदमी अधिक खाकर, अधिक बोलकर, काम कीड़ा में पड़कर और बिना विचारे बोलकर पेट भर दुख पाता है और भाव बंधन को पुष्ट करता है और इस जीवन को बर्बाद कर देता है, मानव जीवन को अकार्थ में, बेकार में खो देता है। तो हमें क्या करना होगा? सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने कहा है, कम खाओ और गम खाओ। कम खाने से रोग नहीं होता है। शरीर में अनेक प्रकार के रोग क्यों हो जाते हैं? अधिक खाने से। और बिल्कुल त्याग देने से भोजन तो भी शरीर में दुर्बलता आ जाती है, पोषक तत्व नहीं मिलने से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हम मध्य मार्गी हैं, मध्य न अधिक खाएं और न अधिक त्याग करें। तो साहब कहते हैं अधिक खाकर आदमी रोग उत्पन्न करता है। अपने पेट में अधिक डालेंगे तो क्या होगा? जैसे कि
चूल्हा में आग डाल दिए, लेकिन उसमें इसने ठोंस दिए कि कंडा लकड़ी और पत्ते वगैरह बहुत ज्यादा उसमें ठोंस देने से आग जलेगी नहीं, उसमें इतने ही जगह होना चाहिए आग जलने के लिए जिससे आग आसानी से जल जाए और भोजन बढ़िया से पकेगा। ऐसे ही हमारे पेट में हम इतना ही डालें जिससे आसानी से पच जाए और हमारा पेट साफ हो जाए, इससे हमारा खून बनेगा, दिलो दिमाग ठीक रहेगा, गरिष्ठ नहीं होगा और मोटापा नहीं आएगा। बहुत सारे ऐसे रोग है जिससे हमें मुक्ति मिलेगी, तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें कम खाना चाहिए, तो कम खाएं और अधिक बोलकर आज आदमी दुखी है। किसी के घर में खाने की कोई कमी नहीं है, कपड़े लगते की कोई कमी नहीं, सोने के लिए भी जगह पर्याप्त है, लेकिन झगड़ा लड़ाई राग द्वेष नाना प्रकार के चिंता विकलता क्यों झेल रहा है? अधिक बोलकर, अधिक बोलने के कारण हमारे दो काव्य है रामायण और महाभारत, दोनों में युद्ध क्यों हुआ और वहां पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं क्यों आई, विपत्ति क्यों आई? अधिक बोलने के कारण ही। माँ सीता भी अधिक बोल जाती है। वनवास काल में जब भगवान राम मृग मारने के लिए निकल पड़ते हैं धनवा मान लेकर, सोने के मृग कहते हैं, एक छलावा है, माया है, सोने के मृग नहीं होता है, लेकिन वहां पर बहुत ही कोई चीज सुंदर लगती है तो हमें लगता है कि बड़े सोना में लगते हैं। तो माँ सीता मृग को देखती है, फूल चुनने की गई होती है जंगल में पास में, और देख लेती है कि एक मृग बड़ा ही सुंदर आ करके वह अपने पति देव से भगवान राम से विनय करती है कि आप इस मृग को पकड़ लाइए, आप पकड़ के इसको लाएंगे और जब हम लोगों का ये वनवास काल पूरा हो जाएगा तो हम इसको अयोध्या में ले जाएंगे, इसके पैर में घुंघरू बांध देंगे और ये हमारे महल में कितने इधर उधर कूदेगा और भागेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आप इसको ले आइए ना, ले आइए ना, बहुत ही कहती है। तो सीता माँ की बात रखने के लिए भगवान राम धनवा बाण लिए और कमर कसे निकलने के लिए तैयार। भैया लखन ने बहुत समझाया कि भैया सोने की मृग नहीं होता है, यहाँ बहुत से राक्षस होते हैं और राक्षस भेष बनाने जानते हैं, ये लगता है कुछ छलावा है, ना जाइए। भगवान राम कहते हैं कि सीता के बहुत मन है, ला लेता हूँ, और निकल पड़ते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वह मृग बहुत दूर निकल जाता है और वह तो मारिश था और वही भेष बनाया ही था, जब बाहर दूर चला गया और जब उसको बाण लगा तब वो चिल्लाने लगा, हाय सीते हाय लक्ष्मण। ये आवाज जब माँ सीता की कान पर पड़ी तो व्याकुल हो उठी और सीता कहने लगी, लक्ष्मण तुम्हारे भैया पर कोई विपत्ति आ गई है, आप तुरंत जाइए, शीघ्र जाइए। लक्ष्मण ने कहा, माँ मेरे को आपके पास आपकी रक्षा के लिए छोड़ के भैया गए हुए हैं और मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। तब वहाँ पर माँ सीता बहुत भला बुरा कह जाती है, जैसे उसको नहीं कहना चाहिए, यहाँ तक कह डालती है कि हाँ तुम मेरे को हड़पने के लिए यहाँ पर आए हो, पीछे पीछे और पता नहीं कितने क्या क्या वो शब्द कह डालती है जिसको लक्ष्मण सहन नहीं कर सके, और लक्ष्मण रेखा खींच करके भगवान राम को अपने भैया को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर इधर होता क्या है, रावण आता है साधु के भेष में और माँ सीता को हरण करके ले जाता है। कहने के भाव ये कि अधिक बोलने के कारण कितने बड़े उसको दुख उठाना पड़ा। ऐसे ही महाभारत में होता है, जब राजा दुर्योधन राज सुयज्ञ रचते हैं, युधिष्ठिर तो वहाँ जाते हैं निमंत्रित था, और वहाँ पर इतने महल सजाए होते हैं कि जल थल जैसे लगता है, और जहाँ पर थल वहाँ जल जैसे लगता है,
जिस दरवाजा बंद है वो खुला जैसे लगता है और जो खुला है वो बंद जैसे लगता है। जब दुर्योधन चलने लगा तो लगा कि यहाँ पर पानी है, तो अपने धोती को उठाने लगा। जहाँ पर पानी नहीं था, थल था, और जहाँ उसको थल नजर आया वहाँ पर पानी था और वो धोती सहित उसमें गिर पड़ा। और ये सारे दृश्य देख करके द्रौपदी हंस पड़ती है और कहती कि अंधे के अंधे ही होते हैं। और ये शब्द दुर्योधन के कान में लग जाता है। कहने के भाव ये कि आदमी आज अधिक बोल करके दुखी है, चाहे सास बहू में हो, माँ बाप में हो, और किसी के साथ आप ले लीजिए, इसलिए हमें कम बोलने की आदत डालना चाहिए और बिना विचारे काम करने से। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाई। हमें हर जगह विचार करना चाहिए। एक माँ थी और वह बहुत ही सुंदर एक नेवला पाल रखी थी। नेवला बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा और दुलारा, जैसे जैसे अपने पुत्र होता है वैसे ही उसको हर प्रकार से स्नेह प्यार प्रेम दे करके वो पाल रखी थी। और एक रोज होता है क्या है कि वो माँ पानी भरने के लिए जाती है और अपना छोटा सा बच्चा वहाँ पर अपने घर पर सुला देती है। और कहीं से एक बहुत बड़ा सांप आ जाता है, बिजधर सांप आ जाता है, काला नांग आ जाता है। और वो नेवला तो बड़ा ही वफादार था, अब उसने सोचा कि ये तो बच्चे की ओर बढ़ रहा है, अब ये खतरा है, काट देगा तो मेरे मालिक के जो बच्चा है इसको तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो उस नेवला सर्प के साथ लड़ जाता है और लड़ते लड़ते उस सर्प को टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वो खुश हो जाता है कि मैंने दुश्मन को मार दिया। और फिर वो अपने मालकिन को इंतजार करने लगी दरवाजे पर जा करके। और देख जब वो पानी भर करके आती है मालकिन, तो देखता है कि नेवला के पूरे शरीर में खून खून, मुंह में, सिर में, हर जगह खून लगा हुआ है। हो ना हो इस जानवर की क्या भरोसा, ये मेरे बच्चे को कुछ न कुछ हानि पहुंचाया होगा। इस ऐसे समझ करके वो माँ अपने जो सिर पर हांडी रखी होती है पानी का, उसको उसी के ऊपर पटक देती है और वहीं पर वो नेवला चूर चूर हो जाता है, मर जाता है। अंदर जा कर के देखती, दौड़ते हुए जा कर के देखती है तो बच्चा तो खेल रहा है, किलकारी मार रहा है और पास में सर्प के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो फिर वो बहुत पछताती है कि मैं क्या कर डाली बिना विचारे। ऐसे ही हमें हर जगह विचार करना चाहिए। कई बार होता है कि हम कोई बात को लेकर के विचार नहीं करते और संदेह कर लेते हैं और हम अपना भविष्य बिगाड़ डालते हैं, अपने कर्म को बिगाड़ डालते हैं। तो सज्जनों, हमें विचार करके चलना चाहिए, बोलना चाहिए, करना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार तो सब दुख जाई। ये बहुत ही मार्मिक वचन है सद्गुरु कबीर का, हम लोगों के लिए संदेश है। तो मैं आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया और हमारे बीच अनेक संत विराजमान हैं, इसलिए मैं अधिक समय नहीं लूँगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।